कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत छुट्टियाँ एंजॉय कर ली आप लोगों ने। अब जरा पढ़ाई के लिए हम सीरियस हो जाएं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा जो है छुट्टियों में गुजर गया। और जो बताया आप लोग घर पे तो सीरियस भी पढ़ते नहीं हैं, है ना? चले हैं अब तो फिर स्कूल जाने वाले हैं, और जो है हमें स्कूल आने से पहले थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए, ताकि जब आप क्लास में आए तो आपको जो है वो चीज़ें रिकॉल हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क देते रहेंगे, ताकि आप अपने घर में रह बैठे हुए वो काम जो है वो करते रहें। कुछ आपको पुरानी चीज़ें जो पिछली चीज़ें आप भूल चुके हैं वो चीज़ आपको याद आ जाए। तो आज जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, पहली बार मैं आपको उर्दू पढ़वा रही हूँ। आपको पता है कि मैं उर्दू की टीचर हूँ, तो इसलिए जो है आप सबसे पहले अपनी जो आपका कोर्स आया है उस कोर्स में आपके पास ये किताब मौजूद है, लेट पार उर्दू। ठीक है, तो आप वो किताब निकालिए, उस किताब में जो है हमें कुछ मशकें हैं, वो मशकें हमें करनी है, ताकि हमें जो है वो पिछली क्लास तमाम चीज़ें जो हम कर चुके हैं वो हमें याद आ जाए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि उर्दू के जो हरूफ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उर्दू के हरूफ को हम हरूफ तहज कहते हैं। कौन से हरूफ होते हैं? अलिफ, बे, बे, ते, ते, से, ये सारे जो हमारे पास हरूफ तहज होते हैं। सही है, अब इन्हीं हरूफ को मिला के जो है हम अल्फाज बनाते हैं। आपको इन ग्रुप को जब हम दो हमने पढ़ा था, दो गुरुफी और सैफी, दो गुरुफी अल्फाज कौन से होंगे? जैसे कि हमने ते और बे को मिला दिया तो क्या बनेगा? ते बे तब, अलिफ बे तब। और इसी तरीके से सैफी ग्रुप होते हैं, जैसे कि अब हमने जो है वो अलिफ बे और अलिफ को मिला दिया, तो जैसे अलिफ बे अलिफ क्या बना? अब्बा। सही है, ठीक है। इसी तरीके से जो है और बहुत सारे हुरूफ होते हैं, चार हुरूफ पे मुश्तमिल भी होते हैं, जैसे बे ते नून काफ। तो इससे आप याद आ गया होगा कि किस तरह से हमने जो है वो पहले हुरूफ पढ़े थे, फिर उसके बाद दो हुरूफ पे के अल्फाज, फिर तीन हुरूफ के अल्फाज, फिर चार हुरूफ के अल्फाज, फिर इसी तरह से जो है ना हम पढ़ते पढ़ते हमें जो है वो पूरे पूरे जुमले लिखने आ गए थे। जब अल्फाज को हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? जुमले बन जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से, अच्छा कुछ आपने ऐसे भी अल्फाज पढ़े थे कि जो कि हमने तोड़ के दिए हुए दिए होते हैं, कि अब जैसे मैं पतंग को जो है वो आगे पीछे करके लिखूं, कि मैंने पहले लिख दिया ते जमा गाफ जमा नून जमा पे। अब मैं आपको कहूँ कि आप इन ग्रुप को अरेंज करें, जब आप इन हरूफ को अरेंज करेंगे, अब आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनको हम तरतीब देंगे तो एक लफ्ज हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसको देखें, ते है, गाफ है, नून है, पे है। अब इसमें से हमने पहले सबसे पहले ते को लिया, फिर ते को लिया, फिर नून को और फिर गाफ को, यानी नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, देन नंबर फोर। ठीक है, अब जब हमने इसको तरतीब से इस तरह से कर लिया, तो अब जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो हमारे पास पूरा एक लफ्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना, कि जब हमने इन तमाम हरूफ को तरतीब दिया तो उसके बाद हमारे पास एक पूरा लफ्ज आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी इस किताब को खोलें और देखें कि जो हमारे पास सफा नंबर एक है नटवान उर्दू का, इसमें हमें जो काम करना है वो यही है। जो पहला सवाल है कि ज़ेल दर्ज ज़ेल हुरूफ को तरतीब से मिलाकर अल्फाज बनाइए और फिर उनको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कीजिए। सही है, जुमले बनाना आपने सीखे हैं, आपकी टीचर ने आपको बताया कि अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं,
के जो उन्होंने मिसाल दी दी है। मिसाल में क्या है कि सी मीम ऑफ ते लाम और बे। अब इन हुरूफ को जब हमने अरेंज किया तो हमारे पास लफ्ज आया मुस्तकबिल। नजर आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ है मुस्तकबिल। अब उसके बाद देखें दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो हुरूफ है वो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ कि उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे। ते अलिफ नून मीम अलिफ हे। ठीक है, अब देखें इसमें हम नंबर वन अलिफ, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव और नंबर सिक्स। ठीक है, तो अब जब हमारे पास एक दो तीन चार पांच छह, छह हुरूफ थे। अब इन छह हुरूफ को हमने इस तरीके से नंबर दे दिए। अब जब हमने इनको जो नंबर दिए हैं तो अब हम उन्हीं हुरूफ को पहले लिखेंगे जो हमारे पास नंबर है। हमने सबसे पहले अलिफ लिखा, अब क्या हम मीम को इसी तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें मीम की आधी शक्ल लेंगे यू। ठीक है, उसके बाद नंबर तीन पे हमें ते लिखना है तो ते की भी हम आधी शक्ल लेंगे ऐसे, सही। फिर उसके बाद हे है, हे के भी हमें आधी शक्ल लेना है यू, सही है। इस तरह से हमने इसकी आधी शक्ल बना दी। फिर उसके बाद हमें नंबर पांच के ऊपर फिर अलिफ लेना है, हमने फिर उसको अलिफ को यू लिख दिया। बन रहा है ना अल्फाज, बन रहे हैं। ठीक है, सारे पहले हमारे पास ये हुरूफ की शक्ल में थे, अब जब इन हुरूफ को हमने तरकीब दिया और उसकी हमने हुरूफ की आधी आधी शक्ल ले ली। याद है ना आपको आधी शक्ल आपने पढ़े थे कि तारे को शुरू ऐसे होते हैं कि जिनकी हम आधी शक्ल भी जो है वो लिखते हैं। तो अब मुझे इसकी आधी शक्ल ये मीम की दे भी हमने आधी शक्ल ली, दे की आधी शक्ल ली तो उसका जिसको हमने अलिफ से मिलाया क्योंकि अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती है। अब हम आखिर में जो है वो नून लेंगे नंबर छह में, तो नून हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या लफ्ज बना, पढ़िए आप, मुझे पता आप सबको पढ़ना आता है। लफ्ज है क्या, इम्तहान। क्या लफ्ज है, इम्तहान। डर लगता है ना इम्तहान से, जहां कहीं इम्तहान का, इम्तहान इंग्लिश में एग्जाम कहते हैं, जहां कहीं इम्तहान का लफ्ज आता है बच्चे एकदम बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि अच्छा इम्तहान देना पड़ेगा। अब इसको हम जो है वो जुमले में इस्तेमाल करेंगे, तो अब इस लफ्ज को नीचे लिखेंगे हम, ये देखें ये ऊपर जो हमारे पास हुरूफ लिखे हुए हैं इन हुरूफ को हमने तरकीब दिया, तरकीब देकर हमने यहाँ पे जो है ये हुरूफ को मुकम्मल करके लफ्ज बना दिए। उस लफ्ज को हमने भी उठा दिया, यहाँ नीचे लिखना है, नीचे हमने लफ्ज लिख दिया और उसके बाद सामने वाली लाइन पे हमें उसका जुमला बनाना है। तो अब लफ्ज हमारे पास आ गया इम्तहान। तो जो है अब हम क्या करें लिखें, इम्तहान का हमें कोई भी जुमला बनाना है। फातिमा सालाना इम्तहान की तैयारी कर रही है। अब आपके साथ का इम्तहान हो गए ना, कहीं भी बात है, इतने दिन गुजर गए। ठीक है, तो फातिमा सालाना इम्तहान की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये अपना इस सफे का काम मुकम्मल करना है कि पहले ऊपर दिए हुए हुरूफ को अरेंज करके हमने लफ्ज बनाने हैं, फिर उन लफ्ज को हमें यहाँ लिखना है और यहाँ लिखने के बाद उन लफ्ज को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये हो गया हमारा पहले सफे का काम। दूसरे सफे पे भी इसी तरह से जो है, अच्छा यहाँ पे हमने हुरूफ को बेतरतीब लिखा था। अब दूसरे सफे पे जो आपके पास काम है वो है क्या आपका बुक पेज नंबर 1 है। अब यहाँ मैं आपको बुक पेज नंबर 2 का बता रही हूँ कि बुक पेज नंबर 2 पे आपके आपको कौन सा काम करना है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो बेतरतीब अल्फाज दिए हुए हैं,
के अल्फाज को जो है वो अलग 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 करके लिखा हुआ है, कि अल्फाज को जब हम तरतीब देंगे तो हमारे पास एक जुमला सामने आएगा। सही है, पहले हमने हुरूफ को तरतीब दिया तो एक लफ्ज हमारे पास सामने आया, अब इन अल्फाज को जब हम तरतीब देंगे, लफ्ज की जमा अल्फाज है, तो जब हम इनको तरतीब देंगे तो हमारे पास एक पूरा जुमला सामने आएगा। सबसे पहला हमारे पास है दौलत, बेहतर, काम के
करने का या होने का पाया जाए, जैसे खाना पीना सोना जागना खेलना कूदना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? फेल। और जो कर रहा होता है वो फाइल होता है, जैसे लड़का खेल रहा है, और जिस पर काम होता है वो मकबूल होता है, जैसे लड़का गेंद खेल रहा है, तो गेंद क्या है? वो मकबूल है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हमारे पास आधे आधे जुमले दिए हुए हैं, इस आधे जुमले के साथ आपको जो है वो फेल लगा करके मुकम्मल करना है। हम अपने वालिदैन और उस्तादों की इज्जत, सही है, आधा जुमला है। अब आपको आगे जुमला मुकम्मल करना है, आपको फेल लगाना है आगे कि हम इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? हम इज्जत करते हैं। ये आपके पास पेज नंबर थ्री का काम होगा। जुमला हमारे पास क्या है? हम अपने वालिदैन और उस्तादों की इज्जत, आगे आपके पास फाइनल भी है। तो अब यहाँ पे हमें फेल लगाना है, तो फेल क्या आएगा? करते हैं, ठीक है, जुमला मुकम्मल हो जाएगा हमारा, सही है। इस तरह से हमारा जुमला, इसी तरह लड़के शोर मचा रहे थे और लड़कियां चुपचाप बैठी थी, बैठी थी। क्या नंबर दो हमारे पास है? लड़के शोर मचा रहे थे और लड़कियां चुपचाप। अब देखिए यहां पे हमारे पास जमाना जो है वो थे, यानी जमाना हमारे पास माजी का है। तो जब यहाँ पे आगे जुमले के एक हिस्से में जो है वो जमाना माजी है, तो हमें दूसरे हिस्से में भी जो है वो जमाना माजी ही लाना होगा। हम वहां पे बैठी है नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर जो लड़के हैं वो जमा है, लड़कियां भी जो है वो जमा है, तो लड़के शोर मचा रहे थे, रहे जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी और लड़कियां चुपचाप बैठी थी, ठीक है, बैठी थी, क्योंकि लड़कियां हैं, जाहिर बात है मोनस का सिला आएगा। तो इस तरह से हमें इन जुमलों को मुकम्मल करना है। शिकारी ने कई परिंदे शिकार किए, सही है, इसलिए जो है ना हमारे पास शिकार करना फेल है। हामिद रशीद और जलील किताबें बैग में रखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, आप इसके साथ कोई भी फेल लगा करके जुमले को मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी आपको किताब में ही करना है, समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको मुश्किल पेश आ रही है काम मुकम्मल करने में, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कहिए वो स्कूल आए, हम स्कूल में मौजूद होते हैं। कोई भी आपके सवाल हो, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप वो हमसे आके पूछें। जो आपको हमने टाइम दिया काम मुकम्मल करने का, तो उस टाइम पर आप अपना काम मुकम्मल कीजिए, और अगर नहीं हो रहा तो आप आके पूछें। बाद में कोई एक्सक्यूज़ ना करें कि हमें समझ में नहीं आया था, हमने आपको वीडियो भी दे दी है, काम बता भी दिया है, काम आपको लिख के भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप स्कूल आ करके सवाल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। थैंक यू।